हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 26 जून। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन्हें यहाँ आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। अभी हाल ही में ICICI बैंक ने वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ICICI बैंक ने वेतन खाता सहित कोई भी बचत खाता खोलने या बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस समय ICICI बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ध्रुव नेविगेशन रिसीवर चिप का विकास किस संस्थान ने किया है? ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT तिरुपति। अभी हाल ही में IIT मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर ध्रुव चिप विकसित की है। इसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में सघन मार्गों को खोजने के लिए किया जाएगा। ध्रुव चिप को भारत के नाविक सैटेलाइट सिस्टम के साथ साथ US के GPS सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे मौसम की जानकारी भी मिलेगी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, IIT मुंबई। इसमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में IIT कानपुर ने सस्ते मास्क बनाए थे, IIT दिल्ली ने सस्ती कोरोना टेस्टिंग मशीन डेवलप की थी, और हाल ही में IIT तिरुपति ने एयर एप्लीकेशन विकसित की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, लद्दाख। इसमें इसका उत्तर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर सही है। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया है। इनमें से 4 जिला अस्पताल जम्मू संभाग से हैं, जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया? ऑप्शंस हैं खाद्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड स्पेसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया था, तो इसका ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय सही होगा। यह भारत के वैदिक भोजन और मसाले के महत्व पर केंद्रित था। इस वेबिनार में मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया। इंडियन फूड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट इस समय राजीव गोयल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजेश शुक्ला कहाँ के लोकायुक्त बने हैं? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, पंजाब। 23 जून 2020 को सेवानिवृत्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। इससे पहले यहां के लोकायुक्त डेपी बुच थे, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी गुजरात सही होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और यहां के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में पुड़ेजा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। हाल ही में विकास और उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 जून 2020 को जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में पुड़ेजा पुल का और उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सही होगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके सहयोग से की है? ऑप्शंस हैं विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, IBM। कौशल विकास मंत्रालय ने IBM के साथ फ्री डिजिटल लर्निंग स्किल बिल्ट री इग्नाइट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत में नौकरी तलाशने वाले लोगों तक पहुंच बनाना और बिजनेस ओनर्स को नए संसाधन प्रदान करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी IBM सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट शटडाउन हुआ है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, इजराइल, भारत, म्यांमार। म्यांमार में जंग से ग्रस्त नॉर्थ वेस्ट में एक साल से अधिक समय से इंटरनेट शटडाउन जारी है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी म्यांमार सही होगा। इस शटडाउन को अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट ब्लैकआउट बताया गया है। म्यांमार की सरकार जनवरी 2019 से अराकान आर्मी ग्रुप से युद्ध कर रही है, जिसे रखायन बुद्धों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले समूह के रूप में जाना जाता है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कुशीनगर एयरपोर्ट, बी झांसी एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट और बरेली एयरपोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए कुशीनगर एयरपोर्ट सही है। आखिरी प्रश्न है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है संजीव सान्याल, बी अमित त्रिपाठी, शरद बनर्जी और अशोक चौधरी। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक अमित त्रिपाठी हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी अमित त्रिपाठी सही है। तो ये थे एग्ज़ाम से रिलेटेड आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।